बुलंदशहर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप लूटने वाले दो लुटेरों को पुलिस ने किया ढेर। आशीष और अब्दुल नाम के दो लुटेरों को बुलंदशहर सिटी कोतवाली पुलिस और खुर्जा पुलिस ने किया ढेर। एक सिपाही के भी लगी गोली, गंभीर हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। दो माह पूर्व धमेड़ा अड्डे पर लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मार लूट ली थी। ज्वेलरी शॉप सिटी कोतवाली और पहासू थाना क्षेत्र में हुई लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में आशीष और अब्दुल पुलिस की गोली लगने से हुई ढेर। लुटेरों के कब्जे में लूटे गए सोने चांदी के गहने, तमंचे, कारतूस आदि बरामद। पुलिस ने दो लुटेरों को मार गिराया है, ये किस मामले में वांछित चल रहे थे और किस तरह का इनका आपराधिक रिकॉर्ड है? कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली नगर में एक घटना हुई थी जिसमें कि दो लोगों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर फायरिंग करी थी और कुछ सामान लूट कर ले गए थे। इस घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इन दोनों अभियुक्त पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम था और ये दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी थे जिनका पूर्व का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कल देर रात्रि एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि आशीष नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ था और उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान बाद में फिर उसकी मृत्यु हो गई। और एक पुलिस इंगेजमेंट थाना पहासू क्षेत्र में हुआ जहां पे कि एक अब्दुल नाम का अपराधी है, उससे पुलिस इंगेजमेंट हुआ और आत्मरक्षा जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें उसके गोली लगी और अभी कुछ देर पहले उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में मुकदमा हम लोग दर्ज करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर। सर, इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? जो कोतवाली नगर क्षेत्र की घटना है उसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल चोटिल हुए हैं, इन लोग भी इलाजरत हैं। और हमारे दो इंस्पेक्टर्स थे जिनके ऊपर भी फायरिंग की गई, उनके जो उन्होंने बीपी जैकेट पहन रखा था उस पर गोली लगी है। और जो पहासू क्षेत्र की घटना है उसमें भी एक कांस्टेबल के चोट आई है। ये सभी इलाजरत हैं, हम अभी इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में इनकी स्थिति ठीक है बट अंडर ऑब्जर्वेशन। आशीष का ताऊ का कहना है कि सर जो आशीष है उसको पुलिस ने कल पकड़ लिया था, जमानतियों के लिए भी कहा गया था कि जमानती लेकर आप कोर्ट पहुंचिए, लेकिन उसके बाद में अचानक रात को उनको कहना है कि एनकाउंटर खबर मिलती है। ये इस तरीके की बात बिल्कुल भ्रामक है और हम लोग अपनी जो कार्रवाई किए हैं वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू